देवी मैं देवो की हूँ नगरी से बाबा की नगरी ये हवा में बहता हर विषय यहाँ ए देवी है स्वागत देव नगरी में मैं देखूं तारे बैठा पर्वतों से गर्दिश में यहाँ ए देवी अचल देवो की नगरी में चल के ज्ञान या जैसे चल हाय एवरीवन इस बार हम लोग जा रहे हैं दयारा बुग्याल ट्रैक करने अभी बुलेरो में बैठ गए हैं एंड लोग वेट कर रहे हैं सरदार आईटी पार्क के पास एंड 6-7 घंटे में हम यहां से पहुंचेंगे रैठल विलेज जो उत्तरकाशी से आ गए तो मिलते हैं मज़ा आएगा तो अभी हम मिड वे तक पहुंच गए हैं एंड यहां से बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है सारी पीक्स दिखती हैं जितनी भी आपकी हिमालयन पीक्स हैं मॉर्निंग जी अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं सुबह के एंड हम अभी यहाँ रैठल विलेज में रुके थे कल रात को एंड अभी सुबह ट्रैक स्टार्ट करेंगे पीछे अगर आप देखेंगे तो वो उस कोने वाले रूम में मैं रुका था एंड वहाँ से पूरा नीचे वैली का व्यू दिखा था पीछे पीक्स दिख रहे हैं जिन पर स्नो लगी हुई है एंड अभी हम अपनी ट्रैक स्टार्ट करेंगे यहाँ से इस साइड से जम जाएंगे तो मिलते हैं सी यू स्टार्ट हो गई यहाँ से दयारा बुग्याल ट्रैक आपकी You can't take me down You can't break me down You can't take me down यूजली विंटर्स ट्रैक का यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि पहाड़ी के ऊपर जब आप ट्रैक कर रहे होते हो तब एकदम क्लियर धूप निकल आती है सो इससे आपको ज़्यादा लेयरिंग नहीं चाहिए होती है एंड चलते चलते आपकी बॉडी भी वार्म रहती है इतना बड़ा पेड़ गिरा है
अच्छी खासी इंक्लाइंड तो है ये वाली ट्रैक एंड थोड़ा रोड भी इन्होंने जो है उसको पेव कर रखा है तो ट्रैक एक्सेसिबल है जाने के लिए आराम से। वाह यहाँ से क्या बढ़िया व्यू आ रहा है ये देखो भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी। भाई साहब क्रेजी कैंप हम लोग पहुंचने वाले हैं थोड़े ही थोड़े नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है एंड ये हमारा बेस कैंप है गोई एंड यहाँ पे दो फ्रोजन लेक्स है एक ये और एक ये। तो ये है हमारी गाइड आज के लिए आरती। हेलो एंड अभी हम कहाँ जा रहे हैं? दयारा बुग्याल। अभी कल हम लोग रुके हुए थे अपने बेस कैंप गोई में एंड अभी सुबह के हो रहे हैं 10 एंड ये मैम हमें लीड करेंगी इस ट्रैक में। जो व्यू नीचे से दिख रहा था बढ़िया है और वो फुल फ्लेजेड ऐसे दिख रहा है। सो अभी हम लोग पहुंच गए हैं दयारा बेस कैंप एंड अभी एक घंटे और रास्ता है हमें ऊपर ट्रैक करने। यहाँ पे हमने थोड़ा चाय और स्नैक्स स्नैक्स करा है पीछे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा व्यू है एंड वहाँ से स्टार्ट होगा ट्रैक। हॉर्न है एंड ऐसा कहा जाता है यहाँ पे कि ऐसे अगर दो घर में रखो तो पीस एंड प्रोस्पेरिटी होती है। तो क्या अगर मैं एक ही घर में लेके जाऊँ तो कलेश होंगे। Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. इस बार यहाँ पे स्नो नहीं है थोड़ी बहुत ही स्नो है लेकिन अगर यहाँ पूरे ये बुग्याल होता है इसको ऐसे कहते हैं बुग्याल इज बेसिकली आपका एक मेडो ये अगर पूरा स्नो से कवर्ड होता तो यहाँ से नीचे स्लाइड करने में काफ़ी अच्छा फन होता।
देहरा बुग्याल टॉप पे। ये पूरा एरिया आपका देहरा बुग्याल है। आरती एक बार क्या आप बता सकते हो कि ये क्या क्या पीक्स हैं, क्या क्या इनको बोलते हैं, क्या रेंज है? ठीक है, तो ये हमारी पूरी हिमालय रेंज है ना? देन उसके बाद ये आपका कुछ कल्याण बुग्याल हो गया। हाल ही में ये खुला, ये ट्रैक खुला है, एक अलग ट्रैक है। आगे चल के चलोगे आप तो ये जो पीक दिख रही है आपको ना, पूरी स्नो से भरी हुई जिसके ऊपर बादल है, वो आपका वह क्या बोलते हैं उसके द्रौपदी का डांडा 2। अच्छा, 1 उसके पीछे बैक साइड है। कोर्सेज होते हैं हमारे वहाँ पे तो कराते हैं। ठीक है, उसका इधर चलो आप इधर, ये आपका श्रीखंड है। ठीक है, श्रीखंड के जस्ट ये बगल में जो स्नो पड़ी हुई है ना, वो जॉनली है। ठीक है, ठीक है। फिर धीरे धीरे इधर चलो आप, ये पूरा हिमालय रेंज आ गया। ठीक है, ये पूरा रॉक साइट है और सामने आपका बंदर पूछ आ गया ऊपर में, वो जो एकदम चट्टान दिख रही है। हाँ, वो बंदर पूछ है। देन इसके बाद आपका दयारा स्टार्ट है यार, दयारा इस साइड लेफ्ट में। अब हम लोग यहाँ टॉप में बैठ गया अपना लंच कर रहे हैं, एंड उसके बाद जाएंगे। अब वापस आ गए हम अपने बेस कैंप में। Thank you.